अमेरिका में मोदी जी से सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हें क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे देश के लिए और क्या हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का तो पता नहीं, लेकिन वहाँ की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा ही जोरदार स्वागत कर रही है। कभी सांसद मोदी के संबोधन का बहिष्कार का ऐलान करते हैं, तो कभी सोशल एक्टिविस्ट बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान कर देते हैं, और अब तो सवालों के पोस्टर्स छप गए हैं। समझ आया मोदी जी का अमेरिका में स्वागत हो रहा है? नहीं, चलिए हम बताते हैं। तो आप जानते ही हैं कि मणिपुर को जलता छोड़कर पीएम टाटा करके 21 जून को अमेरिका निकल गए। पूरे देश में मोदी के इस दौरे की किरकिरी हो रही है। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा ये है कि मोदी और उनकी टोली जिन मुद्दों से भागती फिरती है, जिन सवालों के जवाब नहीं देती है, वो सवाल उनका पीछा करते करते अमेरिका तक पहुँच गए हैं। नहीं यकीन आ रहा तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। इन तस्वीरों की चर्चा मोदी बाइडेन की मुलाकात से ज्यादा हो रही है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों ने तहलका मचा दिया है। ये तस्वीरें हैं एक ट्रक की, जो मोदी विरोध वाले कमेंट्स के साथ घूम रहा है। ट्रक पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, सभी पर हैशटैग क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अलग अलग तस्वीरों में पीएम मोदी को लेकर विवादित बातें लिखी हुई है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें न्यूयॉर्क शहर की सड़कों की है। ट्रक पर एक पोस्टर है, इस पर सवाल है कि 2005 से 2014 तक अमेरिका में मोदी को बैन क्यों किया गया। इसका जवाब भी ट्रक पर ही छपा हुआ है। जवाब है, विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए एकमात्र व्यक्ति जिसे इन आधारों पर वीजा देने से इनकार किया गया। आपको याद होगा कि 2002 गुजरात मामले के चलते अमेरिका ने मार्च 2005 में मोदी पर वीजा प्रतिबंध लगाया था। इसमें 1100 से 2000 मुस्लिमों की जान जाने का अनुमान है। इसके बाद 2013 में उन्हें फिर झटका लगा, जब यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की अध्यक्ष कैटरीना लेंटोस स्वेट ने कहा कि गुजरात में वर्ष 2002 के दौरान अल्पसंख्यक मुस्लिमों के खिलाफ हुए फसाद में मोदी का हाथ होने के पक्के सबूत है, इसलिए उन्हें वीजा देना उचित नहीं होगा। यानी इस ट्रक ने मोदी के जख्मों को हरा कर दिया है, उन्हें याद दिला दिया है कि अमेरिका उनके बारे में क्या सोचता है। खैर, दूसरी तस्वीर पर आते हैं। इसमें महिला पहलवानों का मुद्दा उठाया गया है, वही मुद्दा जिसे दबाने की कोशिश में बीजेपी की पूरी पलटन लग गई। जिस सरकार ने एक महीने तक पहलवानों की सुध नहीं ली थी, उन्हें अचानक मोदी के दौरे से पहले पहलवानों की याद आ गई। तुरंत गृह मंत्री अमित शाह और उनके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात की, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ। सवाल तो फिर भी पूछा जा रहा है। तो दूसरे पोस्टर में लिखा है कि जो बाइडेन मोदी से पूछो कि अपने ही मंत्री द्वारा यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर महिला पहलवानों को हिरासत में क्यों लिया गया। आपको याद होगा 28 मई का दिन, जब पहलवानों पर दिल्ली पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, उन्हें घसीटकर जंतर मंतर से हटाया था, और वो सांसद जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा था, जिस पर यौन शोषण का आरोप लगा है, वो बड़े शान से नई संसद पर तस्वीर खिंचवा रहा था। उसी दिन को लेकर ये सवाल पूछा गया है। एक और पोस्टर ट्रक पर चिपका है, इसमें मोदी राज में क्या क्या कारनामे हो रहे हैं वो बताए गए हैं। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि मोदी के शासन में मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों की मॉब लिंचिंग बढ़ गई है। बिना किसी जवाबदेही के भले ही मोदी सरकार दावा करती है कि उसके राज में सब बराबर है, लेकिन अमेरिका में भी इस बात के चर्चे हैं कि मोदी सरकार के ये दावे सिर्फ हवा हवाई है। असलियत भारत तो क्या अमेरिका से भी छिपी नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है वो सबको दिख रहा है। अब बढ़ते हैं अगले पोस्टर की तरफ। इसमें सोशल एक्टिविस्ट उमर खालिद का जिक्र किया गया है। इसमें पूछा गया है कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद बिना मुकदमे के 1000 दिनों से जेल में क्यों है। आप जानते ही हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता उमर खालिद 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद है। बिना किसी मुकदमे के खालिद अभी तक जेल में है। इसके अलावा कई अलग अलग रिपोर्ट्स का हवाला देकर मोदी सरकार की आलोचना से जुड़ी बातें इन पोस्टर्स पर लिखी गई हैं। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब विपक्ष और भारत की जनता मोदी सरकार से मांगती है, लेकिन सरकार इनके जवाब नहीं देती, बल्कि वो तो ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार मोदी के अमेरिका दौरे से पहले वहाँ उनके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत हुई 12 जून, जब अमेरिका में दो मानवाधिकार संगठनों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग करने का ऐलान किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इन संगठनों ने 20 जून को एक प्राइवेट स्क्रीनिंग के आयोजन का ऐलान किया था। इसमें अमेरिकी सांसद, पत्रकार और विश्लेषणकर्ता को बुलाया गया था, जिससे बीजेपी खेमा तिलमिला गया था। इसके बाद 20 जून को अमेरिका के 75 सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिख दिया। इसमें कहा गया कि भारत अमेरिका अच्छे दोस्त हैं और दोस्त का काम होता है अच्छी सीख देना, इसलिए मोदी को जरा समझाइए, उनसे लोकतंत्र के मानकों और मानवाधिकारों को लेकर भी बात कीजिए। इसके साथ ही दो सांसदों ने तो मोदी के संबोधन का ही बहिष्कार कर दिया। अमेरिकी सांसद इलहान उमर ने मोदी पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले करने वालों को बढ़ावा दिया है,
पत्रकारों के अधिकार छीने हैं। इसके अलावा सांसद रशीदा ने भी बहिष्कार कर दिया और अब तो खुलेआम एक ट्रक न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूम रहा है, जिस पर मोदी सरकार से वो सारे सवाल पूछे गए हैं जिनसे सरकार बचती है। यानी कहा जा सकता है कि अमेरिका में मोदी का इस बार सबसे अलग और हटकर नए अंदाज में स्वागत हुआ है। लेकिन यकीन मानिए, इसकी चर्चा कहीं नहीं होगी और अगर हुई तो इसे मोदी सरकार के खिलाफ साजिश बता दिया जाएगा। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।